भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास के बाद से ऋषभ पंत एक नियमित विकेट कीपर बल्लेबाज बनकर सामने आ चुके हैं। उन्हें क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में लगातार मौके देकर अनुभव दिया गया, जिसके बाद वो टीम के नियमित विकेट कीपर खिलाड़ी हैं। ऋषभ पंत के विस्फोटक बल्लेबाजी की क्षमता को देखकर उन्हें टीम का भविष्य माना जा रहा था, लेकिन अद्भुत प्रतिभा के धनी ऋषभ पंत इस समय फॉर्म से बाहर हैं। आईपीएल और उससे पहले भी वो फॉर्म में नहीं थे। वहीं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में 29.56 पर आउट हुए हैं। कई पारियों में एक अच्छी पारी के कारण उन्हें टीम में बार बार मौका मिलता रहा है, लेकिन अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा की तरह ही बीसीसीआई ऋषभ पंत को भी फॉर्म वापसी की बात कहकर बाहर कर सकती है। ऋषभ पंत का बल्ला ना चलना काफी समय से चर्चा में है। वहीं टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज के लिए कई विकल्प भी मौजूद हैं। उपकप्तान केएल राहुल विकेटकीपर के तौर पर भारतीय टीम में चुने जाने वाला पहला नाम हो सकता है। टी20 विश्व कप के लिहाज से अगर केएल राहुल विकेटकीपिंग करते हैं तो अपनी जरूरत के अनुसार एक अतिरिक्त बल्लेबाज या गेंदबाज शामिल किया जा सकता है। वहीं केएल राहुल एक अच्छे विकेट कीपर सलामी बल्लेबाज हैं। केएल राहुल ने हाल मैच में अपने फॉर्म का परिचय दिया है। आईपीएल में भारतीय बल्लेबाज के तौर पर उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। ईशान किशन और ऋषभ पंत एक ही टीम से अंडर 19 विश्व कप खेले थे। ईशान किशन और ऋषभ पंत विस्फोटक बल्लेबाज के साथ ही अच्छे दोस्त भी हैं। ईशान किशन ने भारतीय टीम में एक सलामी बल्लेबाज के तौर पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं अगर उन्हें विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम में शामिल किया जाता है तब वो 5 या 6 नंबर पर भी बल्लेबाजी करके विस्फोटक अंदाज में रन बनाने की काबिलियत रखते हैं। संजू सैमसन का नाम हर टीम चयन के बाद चरवाहे रहता है। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के विकेटकीपर खिलाड़ी संजू सैमसन अपने लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। वहीं संजू सैमसन को टीम में मौका भी काफी कम ही मिलता है, जबकि खिलाड़ी ने लगातार अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है। अगर ऋषभ पंत को टीम से बाहर किया जाता है तब संजू सैमसन भी एक विकल्प हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।